अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाश्ते के लिए पोहा बनाएंगे। उसके लिए देखिए, हमारे पास थोड़े से सब्जियां हैं और काजू और थोड़े से मूंगफली के दाने हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम पोहा धो के रख लिए और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी शक्कर डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके रख लेंगे। बस ये मिक्स कर दिए, बस है। अब हम इसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा नमक। शक्कर डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता। अब एक कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे और ये देखिए, हम थोड़े से मूंगफली के दाने, ये मूंगफली के दाने फ्राई होने के बाद साथ में हम काजू छोटे छोटे पीसेस करके रख लिए थे हम, ये कट करके अब हम ये भी शामिल करके इसको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। अब ये जो हम मूंगफली का तेल, मूंगफली हम तेल में तले थे, बस उसी में हम थोड़े से राई और थोड़े से ये कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़े से करी पत्ते डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे इसको हम। बारीक कटी हुई प्याज शामिल कर दिए, बस हल्का सा हम इसको, प्याज हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का हल्का फ्राई करेंगे बस। अब हम इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। सबसे पहले तो कैरेट डाल दिए हम और थोड़े से ये मटर के दाने हैं और इसको हल्का सा फ्राई करके सब्जियां ज़्यादा तलना नहीं है, हल्का सा फ्राई करना है बस। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे इसमें, हल्दी शामिल कर देंगे। थोड़ा नरम होने तक सब्जियों को फ्राई कर लेंगे। अब ये जो हमारा पोहा हम धो के रख लिए थे, नमक और शक्कर मिक्स करके रखे थे ना, बस अब हम ये पोहा डाल के मिक्स कर देंगे। बस ये हमारा पोहा अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर इसमें नमक कम है तो नमक थोड़ा शामिल करेंगे, अगर नहीं बराबर है नमक तो कोई ज़रूरत नहीं है नमक डालने की, क्योंकि हम पोहा जब धोए थे, जब हम नमक मिक्स कर लिए थे। और हल्का सा थोड़ा सा नींबू का रस भी शामिल कर देंगे। नींबू डालने से पोहा का टेस्ट बढ़ जाता। बस अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। सुबह के नाश्ते के लिए देखिए, ये हमारा पोहा तैयार है। ऐसा पोहा आप भी बनाइए, इंशाल्लाह नाश्ते के लिए आपको झटपट से तैयार हो जाने वाली डिश है ये। बस ऊपर से ये मूंगफली और काजू फ्राई करके जो रखे थे हम, ये ऊपर से हम डाल देंगे। ये ऊपर से डालना क्रिस्पी, जब हम खाते ना नाश्ते में जब, तो ये बड़ा क्रिस्पी अच्छा दिखता है इसका टेस्ट मूंगफली का। पकने में मत डालिए, पोहा पकने के टाइम पे मत डालिए फली, ऊपर से गार्निश करिए। बस हो गया ये हमारा पोहा तैयार। ऐसा पोहा आप भी बनाइए, इंशाल्लाह नाश्ते के लिए आपको भी पसंद आएगा। और मेरे रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे रेसिपीज़ को। अल्लाह हाफिज़।